हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों हमारे 200K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मतलब हमारे 200,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। ठीक है तो दोस्तों मैंने इसके खुशी में हमारे फिशेज के लिए बहुत सारी शॉपिंग की, मतलब हमारे जो पेट्स वगैरह है मैंने बहुत सारी शॉपिंग की। ठीक है कैसा लगा भाई? अच्छा लगा। ओके। तो मैं अभी दिखाना चाहता हूँ भाई हमने हमारे फिशेज के लिए क्या क्या हुआ। मां दरवेश हासिल रहा तू और राव देना का होतो। अरे राव दे, आता राव दे, अरे काही नाही होत, मग तर राव दे चल। तो दोस्तों हमने हमारे फिशेज के लिए भाई क्या क्या एक्सेसरीज लाई है मैं अभी आपको सब शो करवा देता हूँ यहाँ पे। तो चलो यार, और मैंने एक सरप्राइजिंग चीज भी लाई है जो कि मैं उसको कल वीडियो में दिखाऊंगा। ठीक है, मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे भाई वो चीज आप लाओ, ऐड करो सेटअप में ऐड करो। ठीक है तो मैं वो आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगा, और आज के वीडियो में मैंने हमारे फिशेज के लिए क्या एक्सेसरीज वगैरह लिए मैं पहले दिखा देता हूँ। चलो तो दोस्तों मैंने इस बैग में बहुत सारा हमारे एक्वेरियम के हमारे पेट्स और हमारे फिश के लिए मैंने बहुत सारा सामान लाया है। ठीक है तो अभी मैं इसमें निकालने वाला हूँ क्या क्या है भाई। तो इतना सारा मैंने हमारे फिशेज के लिए वगैरह मैंने सामान लिया है। ठीक है भाई सबसे पहले ओए बिल, ये बिल की बहुत ही काम की है यार। तो यार मैंने सबसे पहले ना हमारे जो रैबिट्स है स्नो और ब्लैकी के लिए मैंने उनके लिए एक फूड लाया है। ठीक है तो ये फूड है भाई पेट स्लेप का रैबिट कुछ है यार, बट उनके लिए बहुत अच्छा है क्योंकि मुझे एक्वेरियम वाले जो भाई थे वो बोले कि भाई आपके पेट्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आपके स्नो और वो हमारे वीडियो देखने, वो बोले कि आपके स्नो और आपका जो रैबिट है उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है तो ये एक हमारे रैबिट के लिए गिफ्ट हो गया 200K का। ठीक है और ये हमारे आपको पता है ब्लड वॉर्म तो हमारे फिश को बहुत ज़्यादा पसंद है, ये भी हो गए। और भाई मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे भाई आप टर्टल्स लाओ टर्टल्स, भाई टर्टल्स तो नहीं मिले बट टर्टल्स थोड़ी गिफ्ट रहेंगे यार। ठीक है ना समझ लो, तो ये हमें उनका फूड मिल गया। ठीक है जो कि अजू का ब्रांडेड फूड है यार। ठीक है आप सर्च कर देना, बहुत अच्छा फूड है मुझे एक्वेरियम वाले भाई बोले। और ये जो है भाई टायो का जो आपको पता है रेगुलर हमारा फूड होता है, और मैंने स्पेशली हमारे जो बॉब है उसके लिए भी मैंने फूड लाया। और एक कहाँ गया यार इधर, हाँ तो ये देखो भाई ये मैंने हमारे बॉब के लिए भी फूड लाया है। ठीक है मतलब उसको स्टिक बहुत ज़्यादा फ्लाई होम की बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये भी मैं लेके आया उनके लिए, मतलब हमारे जो बड़े बड़े फिशेज हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। और ये क्या है यार, नहीं यार ये ऐसे खाली बॉक्स है। और मैंने साइपोम पंप तो हमको रेगुलर लगता है बेबीज़ के लिए, क्योंकि हमारे पोलर पैरेट्स जो बेबीज़ है वो भी बड़े बड़े होने लगे, तो यार उनका पानी जो है ना ख़राब होने लगे, इनके लिए मैंने साइपोम पंप लिया। ठीक है और सबसे मेन चीज़ भाई सबसे मेन जो हमारे फ्लावर नहीं सॉरी जो कलर वीडियो का टैंक हमें सेट करना है ना उनके लिए मैंने लिया है भाई ये लाइट। तो यार मैं ना इसे आपको ना लगा के दिखाता हूँ। ठीक है तो मैं ना यार इसे ना अभी नहीं लगाऊंगा यार, कल परसों के वीडियो में लगेंगे, जब हम कलर वीडियो लाएंगे ना भाई उनका जब टैंक सेटअप करेंगे तब इसको निकालूंगा। ठीक है अभी तो मैं रख देता हूँ। और भाई मैंने हमारे मतलब जो टर्टल्स वगैरह कुछ आएंगे हमारे सेटअप के लिए, कुछ हम बहुत सारे भाई कह रहे थे टर्टल्स आओ। ठीक है तो उनके लिए मैंने उनका स्टैंड वगैरह भी ले लिया है। ठीक है तो स्टैंड देख सकते हो भाई, क्योंकि इसके ऊपर ऐसे चढ़ेंगे उतरेंगे। ठीक है इसके लिए बहुत अच्छा है। और ये मैंने ढेर सारे डब्बे ले लिए फिश फूड के, क्योंकि हमारे जो कोई फिश वगैरह आने वाले ना आगे जाके, तो उनके लिए मैंने ले लिया, क्योंकि अभी आया था एक्वेरियम शॉप में मिल गए तो भाई ले लिया मैंने, क्योंकि बाद में मिलता नहीं। ठीक है और ये भी हो गया। और भाई हमारे गप्पी फिश का फेवरेट फूड और हमारे मौली फिश का फेवरेट फूड मैं डाफनिया, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है डाफनिया भी मैंने ले लिया। ओके और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ भाई ये फूड मुझे मिल गया है यार रॉयल, हमारे जो बेटा फिश है ना यार उनके लिए बहुत ही अच्छा फूड है यार। ठीक है ब्रीडिंग फीड फॉर बेटा फिश, ठीक है मतलब हमारे जो फिश है ना नहीं हमारे जो बेटा फिश ब्रीड करेंगे ना उनके लिए बहुत अच्छा है। ठीक है और ये भाई बड़े काम की चीज़, क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि आप अपने सेटअप में ये चीज़ ऐड करो। ठीक है तो ये क्या है भाई, ये है भाई ड्रिप टूड, और हमारे फ्लोरन के टैंक में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। ठीक है अभी सिर्फ बाकी हमें वाइट सैंड और ब्लैक सैंड, मतलब आप ही मुझे सजेस्ट करना भाई हमें ब्लैक सैंड ऐड करने चाहिए या वाइट सैंड के लिए अच्छा दिखेगा। ठीक है आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना। ठीक है तो यार एक चीज़ रहेगी यार, ये चीज़ क्या है, इसमें हमारे जो ऑप्टिमम वगैरह जो फिश फूड होता है हमें रखने के लिए जगह नहीं होता, आपको पता है उनको ना चींटियाँ लग जाती है, चींटियाँ लगने की वजह पूरा मतलब हमारा ना हमारे सेटअप का ना 90% फूड चींटियाँ खा जाती है ऐसा मैं मानता हूँ, बट मुझे नहीं पता वो कितना खाती है, बट 10% हमें बचता है, इसलिए मैंने ना डब्बे लाए हुए, ये डब्बे एक बार पैक किया इसमें चींटी भी नहीं घुस सकती, हवा भी नहीं घुस सकती यार इसमें। ठीक है तो इसलिए मैंने ये डब्बे भी ले लिए। तो मिलता हूँ भाई आपको मैं कल मॉर्निंग में, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो चुकी है, हमारी थोड़ी एडिटिंग वगैरह भी चल रही है। ठीक है तो मिलते हैं भाई कल। हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों अभी हो गई है मॉर्निंग, और मैं कल यार पूरा दिन आपको पता है यार मैं मतलब शॉपिंग में ही लग गया, मैं कल ना एक्वेरियम शॉप में गया था और वहाँ से हमारे पेट्स के लिए मैंने बहुत बहुत सारा मतलब अलग अलग टाइप का फूड लाया।
तो यार मैंने बहुत सारे अलग अलग वराइटीज के फिश देखे यार, ठीक है ना। हम यार एक दिन है ना हमारे सारे वो फिश ना भाई सब ऐड करेंगे हमारे फिश रूम में, ठीक है। और दोस्तों मैं कल आते ही मैंने ना सारे फिश के फूड के मतलब जितने भी ये थे मैंने इधर मिक्स कर लिए। यहाँ पे हमारे ऑस्कर का फूड रहेगा, एक मिनट बाहर ही ले लेता हूँ यार। तो यार ये थोड़ा इजी जाएगा और इसमें ना चींटियाँ वगैरह भी नहीं लगेंगी, ठीक है। तो ये मैंने मिक्स फूड कर लिया, मतलब ऑस्कर भी खा सकती है और हमारे सारे छोटे छोटे फिशेस मतलब गोल्ड फिश वगैरह भी ये खा सकती है, ओके। और ये हमारे फ्लोरॉन और ऑस्कर फिश के लिए बहुत ही अच्छा फूड है और हमारे जो जायंट गुरा में उनके लिए भी अच्छा फूड है, ठीक है। तो मैंने इसको मैंने यहाँ पे निकाल लिया। और ये हमारा ब्लैक वाला ऑप्टिमम जो कि मुझे एक भाई ने गिफ्ट किया था, सिद्धार्थ भाई ने, तो मैंने ये बचा था तो मैंने इसको यहाँ पे निकाल लिया क्योंकि ये फूड बहुत अच्छा है यार। स्पेशली मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये फिश बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और ये है भाई हमारी ब्लड वॉर्म, हमारे फिश की जान, मतलब उनका इतना फेवरेट। और दोस्तों आप पहले हमारे जो पोलर पैरट्स के बेबीज है आप उनकी साइज देख लो यार, कितने बड़े हो गए। मतलब यार इनके ना पैटर्न आ गए यार, देखो देखो इनके मॉम डैड जैसे पैटर्न आ गए, हमारे सारे बेबीज को आ गए। देखो देखो तो कितने क्यूट लग रहे हैं यार हमारे छोटे छोटे पोलर पैरट्स के बेबीज। चिंकू मुंकुस यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे चिंकू मिंकू थे तो इनको बहुत जल्दी पैटर्न आ गए। मतलब ये ना चार दिन इनसे बड़े यार, ठीक है ना। आप मुझे पहले वीडियो जो देखेंगे ना जब इनने अंडे दिए थे वगैरह सब वीडियो देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा इनका डिफरेंस है। चार दिन बड़े हैं इसकी वजह से इनको ना पैटर्न आ गए और इनको इतने अच्छे से अभी पैटर्न नहीं है, अभी छोटी ही है। तो चलो भाई अभी ना देर ना करते इनको ना डाफनिया दे देते। डाफनिया इनका बड़ा फेवरेट फूड है यार, इतना ज़्यादा शौक से खाते हैं ना ये। चलो ये लो बड़ी, ये लो गाइस, ये डाफनिया बहुत अच्छा खाते हैं यार। अभी हमारे सारे के सारे पोलर पैरट्स के बेबीज खा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं डाफनिया, यहाँ से नहीं दिख रहे हैं। और अभी इधर वाले जो बेबीज हैं इनको भी मैं डाफनिया दे देता हूँ। और अभी हमारे जो टैंक का जो वाटर है ना दोस्तों ये भी हमें थोड़ा फिल कर देना होगा क्योंकि अभी यहाँ से ना धूप वगैरह आती है ना तो पानी बहुत कम होता जा रहा है यार, चार ही दिन हो गए यार। और अभी मुझे इतना भर देना होगा फिर से। तो चलो भाई अभी इनका मैं फेवरेट फूड देता हूँ, मतलब इन जो ब्लडुआ में इनको बड़ा भाई ये ढक देना, नहीं तो ना यार हिला भी ख़राब हो जाता, मतलब इसको ना चींटियाँ वगैरह लग जाती है यार। चलो इसको कर दिया मैंने पैक। चलो यार इसको मैं देता हूँ अभी ये फूड, इतना काफ़ी हुआ इसके मॉम डैड के लिए, ये बड़े शौक से खाते हैं यार ब्लड वॉर्म। चलो अभी इधर वाले मैं देता हूँ। इसमें से हमारे 50% जो बेबीज है ना व्हाइट कलर के आएंगे और 50% के ना जो मतलब ये ब्लू कलर के आएंगे, और ये तो भाई सारे के सारे ब्लैक ही कलर के आएंगे, मतलब ब्लू कलर के आएंगे। तो दोस्तों अभी मैं फीड करने जा रहा हूँ हमारी सेटअप की गप्पी फिशेस को। ओए इसका लाइट क्यों ऑफ है यार। तो चलो भाई मैंने लाइट्स ऑन कर दी इनकी। तो लो जी ये भी बहुत ज़्यादा इंजॉय से खाएंगे यार, इनको ब्लडॉम बहुत ज़्यादा पसंद है यार। यार इनके साथ ना मैंने ना अभी देखे यार बहुत सारे ना छोटे छोटे बेबीज ऐड हुए, न्यू मतलब न्यू बॉर्न बेबीज है भाई यहाँ पे, क्योंकि ना मैंने आपको एक कल मैंने शॉर्ट्स अपलोड की थी और हमारी गप्पी फिश के टैंक की सबसे बिग फीमेल थी ना शायद से उसने बेबीज दे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हेल्दी दिख रही थी। और वो देख सकते हो भाई अभी इसकी जो ये देखो ये वाली अभी थोड़ी कम भी हो गई यार, मतलब कल ना इसे फुली हुई थी और आज देख सकते हो आज पूरी की पूरी खाली आ रही है। तो यार मुझे पूरा डाउट है कि भाई ये सारे के सारे बेबीज ना इसके ही होंगे, ये देख सकते हो कितने सारे बेबीज है यहाँ पे, ये देखो ये छोटे। तो भाई हमारे गप्पी फिश ने फाइनली बेबीज दे दिए, ऐसा हम पकड़ सकते नहीं तो मुझे बहुत सारे भाई कह रहे थे कि भाई आप है ना उसको साइड में निकाल लो, बट यार साइड में निकालने से पहले ही उसने बेबीज दे दिए। तो देख सकते हो यार ये वाली फीमेल है वो, ये यही थी ना, नहीं तो इसके जैसे ही और एक बड़ी फीमेल है यार, उनका हम कुछ नाम रख देंगे यार। ये देखिए देखिए देख, नहीं रे ये छोटी वाली उससे। चलो कोई नहीं यार दे दिया फाइनली, और सारे के सारे बेबीज है ना अच्छे ही होंगे, मुझे नहीं पता सारे के सारे सेटअप के हमारे गप्पीज बेबीज मतलब जो है न्यू बॉर्न ये सारे के सारे मतलब जिंदा होंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता,
नहीं यार सारे के सारे तो नहीं लग रहे, क्योंकि क्योंकि बाकी सारे गप्पी फिश भी खा जाते हैं यार इनको, सारे के सारे तो नहीं जिंदा बच सकते ना। ये देखो यहाँ पे कितने सारे है, देखो 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 कितने सारे बेबीज हैं। तो ये वाली फीमेल है वो। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं हमारे दूसरे फिशेज को कर देता हूँ। सुनना ब्लड ऑन देना मुझे थोड़ी, तो मैं ये हमारे पोलर पैरट्स को देता हूँ। हे बड़ी था, हेलो हेलो, चलो 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 चलो। ये लो जी हमारे गुरामीज और पोलर पैरट बहुत ज़्यादा इन्जॉय से खाते यार ये। लो जी तो भी फ्लोरॉन, दोनों फ्लोरॉन्स को देते हैं उनका फूड, यही देते हैं ना। अरे उनका कौन सा फूड है, ये वाला था ना, हाँ ये वाला है क्या, चल फिर खोल। ये सारे फिशेज को दे देते, तो मैंने ये निकाल लिया। तो ये देखो बेबी कैसे अटैक से खाएगी, इसको पता है भाई अभी फूड का टाइम हुआ है। चल 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 चल, आजा 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 आजा, ओए आजा ना, ये भग गई यार नीचे, तो है डर गई शायद से। चलो अभी इसको देते हैं हमारी पैटर्न वाली फ्लोरॉन। तो इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, तो अभी देते हैं हमारे मॉन्स्टर फिश को, जो कि हमारी ऑस्कर और बड़ी बड़ी शार्क है। तो अभी ये भी खा जाएंगी, और अभी मैंने थोड़े बड़े पैलेट्स डाले, तो भाई ये शार्क के मुंह में आराम से आएंगे, मतलब ये आराम से खा सकती है यार। और अभी देते हैं भाई हमारे जायंट, नहीं हमारे गोल्ड फिश। यार ऐसे शांत क्यों बैठी यार यहाँ पे, शायद से मैंने ना अभी लाइट्स ऑन की ना, इसकी वजह से शांत शांत बैठी है। देखो कितनी ज़्यादा एक्टिव है, डर गई शायद से। चलो अभी इनको भी थोड़ा दे देता हूँ, इनको तो मैंने अभी दो फेर में दिया था। ओए ओए कैसे खा रही है, देख यार और दे देता हूँ, करो भाई इन्जॉय। ओके ओके ओके। तो आप जिस जिस भाइयों ने फॉलो किया होगा तो आपको पता चल जाएगा भाई हम अगले स्टेप क्या करने वाले। तो यार ये देखो हमारी जॉइंट गुरामी, होए होए होए, ये वाली और ये वाली कैसे खा रही यार। ओके डन, तो अभी इनको देते, ये सर ना पकड़ना इनको ना, ब्लैक वाला ऑप्टिमम देते यार हमें फ्लोर। चलो इसका तो हो गया, अभी इनको ब्लैक वाला ऑप्टिमम देते हैं। इनका भी हो गया, इनका भी हो गया भाई, सारे फिशेस का हो गया। मैं फिर से डाल देता हूँ यहाँ पे। ओके तो भाई जो ब्लैक वाला ऑप्टिमम है ना, ये हमारी फ्लोरों को, नहीं सॉरी हमारी फाइटर फिश को देता हूँ, क्योंकि ब्लैक वाला ऑप्टिमम बड़ी शौक से खाती है यार। ओके इतना काफ़ी हो गया। ये लो जी कैसे खा रही है, और इनके लिए बहुत जल्द हम अच्छे क्वालिटी के फाइटर फिश के मेल लाने वाले हैं। मतलब मुझे अवेलेबल नहीं मिले यार, अभी एक्वेरियम शॉप में मैं गया था ना, मुझे इतने अच्छे नहीं लगे। हमें अच्छे क्वालिटी के मिल गए तो भाई मैं ज़रूर लेके आऊँगा, अभी तो गुर्दा मार्केट जाना ही जाना है। तो चलो भाई अभी ऊपर वाले जो मॉली फिश है उनको मैं देता हूँ, और कल हमारे यहाँ पे ना भाई बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बारिश होने के कारण यार मैं आपको ऊपर के हाल दिखाता हूँ। ले लेना ब्लड होम ले ले और डाफनिया ले ले ऊपर। तो दोस्तों मैं अभी ऊपर आया और यहाँ के आप एक हाल देख सकते हो यार, मतलब कल इतनी ज़्यादा हवाएं चल रही थी ना यहाँ पे, तो हमारी जो ग्रेनेड थी भाई ये वहाँ से निकल गई, वहाँ से निकलती ही भाई ये सीधा आ गई यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से भी निकल गई। मतलब भाई पूरा पौंड का, मतलब जो कवर था ना, जो मेन कवर था ना भाई, सब का सब गया। और आपको पता है मैं कल परसों गाँव गया था, आपको पता है मैं पापा नर्सरी गया था, तो भाई भाई खड़ा भी नहीं रह पा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई यार कल। और इधर का पानी भाई इतना भर गया है पानी, मतलब देख सकते हो यहाँ पे हमारी शुगर फिश छोड़ी ना, पानी ना उतना नीचे तक भरा रहा, 10% पानी भरा था यार, अभी तो डायरेक्ट 50% पानी भर गया है यहाँ पे। तो चलो भाई अभी हमारे जो मॉली फिश है इनको अभी जल्द से जल्द फूड कर दे देते थे। और यहाँ पे हमने ना दो टर्टल छोड़े, आपको पता है यार मैंने लॉग में उनको नहीं लिया है, एक शॉर्ट्स अपलोड की थी बट वो तो मुझे दिख नहीं रहे यार, नीचे ही जाते दिखा ना वो ब्लड होम, दिखा ना, खोलना खोलना, आया था टर्टल अभी, हाँ यार कितने सारे मॉली फिश के बेबीज, ओए 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 ओए, मतलब ना दोस्तों हमारे मॉली फिश ने दो दिन में बहुत ज़्यादा ब्रीड किए। देखो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, मैंने डिश लगा कर आपको दिखाता हूँ, ये देखो भाई ओए कितने सारे देखना, और अब बाप ये गप्पी की भी लग रहे यार मुझे, मतलब है ना गप्पी की ज़्यादा है, मॉली की भी और गप्पी की भी, मतलब ये हमारे चॉकलेट मॉली के लग रहे यार मुझे। चलो भाई तुम जाओ, इनको हम बाद में कैच करेंगे, जब हमारा बेबी फिश का जो वाटर पॉन्ड का जो वाटर है वो जब भर जाएगा ना, हम उनको तब कैच करेंगे, क्योंकि यार आपको पता है कल इतनी ज़्यादा बारिश हुई। ये देखो यहाँ पे आ गई सब मॉली फिश, अभी यहाँ पे आओ यार, यहाँ पे फूड डाला है मैंने आपका।
तो यार दोस्तों देखते ही देखते हमारी सारी फिश ऊपर आ गई यार। देखो इनको ब्लड ऑम बहुत ज़्यादा पसंद है यार, मतलब बहुत ज़्यादा शौक से खाती है यार ये। देखो 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 होई। और इनके साथ है ना छोटे छोटे बेबीज में, एक मिनट हाथ ऐसा डाल के इनको ही गलत। ये देखो ये देखो ये देखो छोटे छोटे बेबीज आ रहे हैं यार। ये देखो भाई, तो है ना आपको मैं एक मिनट इनका जो पॉन्ड का जो पानी भाई दिखा देता हूँ, क्योंकि ना यहाँ पे कल बारिश, तो यार देख सकते हो यार कल यहाँ पे कितनी ज़्यादा बारिश हुई है, पूरा पानी पानी था यार मॉर्निंग में। तो ना दोस्तों अभी ये देख सकते हो यहाँ पे बारिश का जो पानी ना भाई पूरा भर गया है, एक्स्ट्रा पानी देखो ये पूरा ख़राब पानी भर चुका है, क्योंकि ना ये जो वॉल है ना वॉल से उतर कर और यहाँ से उतर कर पूरा पानी भर चुका है। देखो देखो पूरी अलगी अलगी सी हो गई है। तो यार एक यार हमारे बर्ड्स को एक अच्छा फ़ायदा है कि भाई ये है, क्योंकि ना यहाँ पे कितनी भी बारिश होती है ना हमारे बर्ड्स को बिल्कुल भी पानी नहीं लगता यहाँ पे, यहाँ पे सिर्फ हमें ना कैट का टेंशन है। तो यार इनका मैंने फूड वगैरह सब कर दिया डन, और अभी बाकी रहता है सिर्फ हमारे गप्पी फिश और प्लेटी फिश। यहाँ पे ना दोस्तों क्या हुआ, हम यहाँ का जो हमारा प्लांट है ना, हमने एक वाटर लिली यहाँ पे ऐड की थी जो कि वो नहीं रही यार अचानक से, मतलब गायब से हो गई यार यहाँ से। मैं दो दिन नहीं था ना, तो दो दिन नहीं, तो यहाँ पे हमारी जो वाटर लिली थी ना दोस्तों इसी अचानक से गायब हो गई यार। मतलब क्या हुआ उसका मुझे सच में नहीं पता। मतलब अभी ये देखो यहाँ से फिर से आ रही है ऐसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ग्रीन ग्रीन है और ये जो पत्ता ये भी है, तो है भाई चांसेस आने के फिर से। तो चलो अभी इनको भी मैं ब्लड वॉर्म दे देता हूँ, चलो तुम भी एंजॉय करो भाई ब्लड वॉर्म। चलो भाई अभी इनको भी मैंने दे दिया। यहाँ पे ना यार हमारी तीन से चार शॉर्ट टेल है, मतलब मुझे प्लेटी फिश लगी थी बड़े ये देखो भाई ये शॉर्ट टेल एक दो और ये तीन, ये हमें साइड में करनी होगी नहीं तो। ये देखो ये हमारी प्लेटी फिश, सिर्फ एक दो तीन चार ही प्लेटी फिश है हमारी यहाँ पे, जो कि बैलून प्लेटी है। क्योंकि शॉर्ट टेल क्या करेगी ना यार, गप्पी फिश जब बेबीज देंगे ना वो सीधा अटैक करके खा जाएंगे, क्योंकि शॉर्ट टेल भाई मौली की जैसी होती है, बैलून प्लेटी इतनी ज़्यादा ये नहीं करती। और बैलून मौली भी यहाँ पे अभी तक यार इन्होंने मतलब एक भी बेबी मुझे नहीं दिख रहा हमारे गप्पी विशेष का, क्या पता यार मतलब क्यों नहीं दिख रहा है। तो है ना दोस्तों मैंने यहाँ पे एक प्लानिंग किया है, मतलब आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना भाई यस या नो। तो यहाँ पे हमारे जितनी भी गप्पी विशेष है टक्सुडो गप्पी, यहाँ पे हमारे जोड़ी जितनी भी हमारी मौली बलून मौली है और प्लेटी बलून जितनी भी है, ये सब हम हमारे मौली फिश के यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। मतलब हमारे जो मौली फिश का पॉन्ड है वहाँ पे हमारी सारी फिश शिफ्ट हो जाएंगी। और वहाँ से मतलब मैंने ना भाई पहले हमने ना जो हमारी बलून मौली और मतलब हमारी सारी फिश पहले मिक्स थी, मतलब इस पॉन्ड में मिक्स थी। आपको मैं दिखा देता हूँ यार एग्जांपल, ये देख ये पॉन्ड में ना यार हमारी सारी फिश ना मिक्स थी, मतलब यहाँ पे हमारी गप्पी फिश भी थी और यहाँ पे हमारी मौली फिश भी थी यार उनके साथ में। तो यार यहाँ पे क्या होता था ना यार, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा बेबीज कैच करता था तब, मतलब यहाँ पे मौली फिश के भी रहते थे बेबीज और हमारे गप्पी फिश के भी बेबीज रहते थे। तो यार मैंने एक प्लानिंग किया कि यार हमारे गप्पी फिश और मौली फिश साथ में रहेंगे, क्योंकि यार मैंने ना ऑलरेडी यहाँ पे हमारे गप्पी फिश रखे देखो, और भाई मैंने दो दिन में रिजल्ट देखा यहाँ पे बहुत सारे गप्पी फिश के बेबीज देखे मैंने आज। तो यार मुझे ऐसा लग रहा है ना हमारे गप्पी फिश के जो बेबीज होंगे और मौली फिश के जो बेबीज रहेंगे हम हर रोज कैच करेंगे, और उधर वाले पॉन्ड जो वो टंकी है वहाँ पे हम उनको छोड़ते जाएंगे। क्योंकि मुझे बहुत सारे भाई पहले भी बोले थे कि भाई आप वैसा ही करो, बट अभी मुझे तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करना ठीक है हमें क्या करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों मैं आज का वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो। तो भाई चलते हैं, और ये जो ग्रीन मतलब ये जो नेट है ना भाई इसका भी काम हम कल कर देंगे, कल या परसों में कर देंगे जैसा टाइम मिला वैसा। और यहाँ का भी पानी तो भाई पूरा ख़राब हो चुका है, क्योंकि दो दिन भाई पूरी धूप है ना हमारे यहाँ पे पड़ी यार पौंड के ऊपर। तो यार यहाँ का पानी देख सकते हो पूरा ग्रीन, ये तो ऐसा अच्छा लग रहा है यार पर नीचे पूरा ग्रीन है कुछ नहीं दिख रहा है। तो यार मैं क्या करूँगा ना ये सब पानी चेंज कर दूँगा नीचे से, अच्छा सा साफ वगैरह कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पर आप मुझे जो सजेस्ट करोगे हम वो करेंगे, मतलब और जो गप्पी विच है यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो भाई ये सब पानी चेंज कर देंगे ठीक है। मतलब हमारी यहाँ पे गप्पी और मौली साथ में रहेंगी। तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।